क्या आप भी किसी यूट्यूबर के एफिलिएट मार्केटिंग के वीडियो से या उनके अर्निंग प्रूफ देख के इंस्पायर हो गए हैं और आप भी एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट करके लाखों रुपए कमाना चाहते हैं? तो अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर स्टार्ट करने जा रहे हैं या फिर जो है आप लाखों रुपए कमाना चाहते हैं एफिलिएट मार्केटिंग से, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले वीडियो पूरी कंप्लीट देख लें, उसके बाद ही एफिलिएट मार्केटिंग को शुरुआत करें। जानने के लिए वीडियो को डिटेल में एंड तक जरूर देखिएगा। मेरा नाम है मंजीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल डिजिटल मंजीत। सो गाइस, सबसे पहले समझते हैं कि एफिलिएट मार्केटिंग है क्या। राइट, एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर आपका कोई खुद का प्रोडक्ट नहीं होता है, आप किसी भी दूसरी कंपनी के प्रोडक्ट को जो है प्रमोट करते हैं। ये पहली चीज है कि आप किसी दूसरे के प्रोडक्ट को जो है प्रमोट करते हैं और उस प्रोडक्ट को अगर कोई खरीदता है तो उसके ऊपर आपको जो है कुछ कमीशन दिया जाता है। ये होता है एफिलिएट मार्केटिंग। अब जो है दूसरा पॉइंट यहां पर यह आता है कि When you will earn from affiliate marketing, आपको अर्निंग जो है affiliate marketing के अंदर कब होगी। तो गाइस यहां पे जो है मैं एक छोटा सा एग्जांपल देके समझाता हूं कि अगर आप एक नए हैं, आपके पास में कोई ऑडियंस नहीं है, तो आपके लिए affiliate marketing भी अवेलेबल नहीं है, आप फेल हो जाएंगे। क्योंकि affiliate marketing के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट टास्क होता है आपके पास में एक ट्रस्टवर्दी ऑडियंस होना, जो आपको ट्रस्ट करे और आपके ट्रस्ट जो भी आप फिर कहोगे उसके बाद जो है वो लिंक पे, जो भी आप लिंक प्रोवाइड करेंगे उस पे क्लिक करके प्रोडक्ट को परचेस करेंगे। तो यानी कि अगर आपके पास में कोई ऑडियंस नहीं है तो एफिलिएट मार्केटिंग भी आपके लिए नहीं है। तो सबसे पहले आपको जो है क्या करना पड़ेगा, अपनी एक ऐसी ऑडियंस क्रिएट करनी पड़ेगी जो आपके ऊपर ट्रस्ट करे और आपके पास जो भी आप बोल रहे हो उसको वाकई ट्रस्ट करके जो है उस लिंक पे क्लिक करके परचेस कर सके। तो इसके लिए जो है आपके पास में सबसे पहले एक किसी भी प्रोडक्ट का, जिस भी निश को आप प्रमोट करने जा रहे हैं, उस निश का आपके पास में बहुत अच्छा नॉलेज होना चाहिए। क्योंकि जो भी हम कई सारे तरीके हैं एफिलिएट मार्केटिंग को प्रमोट करने के लिए, तो वहां पर जो आपका बेसिक जो चीजें रिक्वायरमेंट होती हैं, सामने पर्सन की जो प्रॉब्लम्स है उसको रेक्टिफाई आप कैसे करेंगे, तो उस चीज के ऊपर में काम करना आपको आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो डेफिनेटली आप जो है ट्रस्ट नहीं क्रिएट कर पाएंगे और ट्रस्ट नहीं क्रिएट होगा तो कोई भी लिंक जो क्लिक नहीं होगा और लिंक पे क्लिक नहीं होगा तो आपकी एफिलिएट मार्केटिंग की अर्निंग नहीं होगी। अब यहां पे तीसरा पॉइंट ये आता है कि जब आप एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं तो क्या आपकी कोई ब्रांडिंग बनती है क्या? तो यहां पर जो है मैं आपको बता दूं कि जब भी आप किसी एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं किसी भी कंपनी की, चाहे वो Amazon है या कोई XYZ कोई भी बिजनेस है, तो डेफिनेटली वहां पर आपका खुद का ब्रांडिंग नहीं होती है। रीजन उसके पीछे सिंपल सा है, बिकॉज यहां पे आप किसी दूसरे के प्रोडक्ट को उसकी ब्रांडिंग के साथ में आप प्रमोट कर रहे हो। राइट, तो आपका खुद का जो ब्रांड है वो कहीं पर भी नहीं बन पाता है। फिर चौथा पॉइंट जो कि फाइनल है कि अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग करना चाहते हो तो क्या इसके अलावा आपको प्रोडक्ट नॉलेज के अलावा आपको कुछ और चीजों की भी रिक्वायरमेंट है? द आंसर इज यस, आपको डिजिटल मार्केटिंग आनी चाहिए। अब डिजिटल मार्केटिंग क्यों आनी चाहिए? बिकॉज जो भी आप आर्टिकल्स के जरिए, अगर ब्लॉग के जरिए प्रमोट कर रहे हैं तो ब्लॉग के जरिए जो है आपको ब्लॉग को जो है उसका सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करना आना चाहिए, यानी कि आपको एसईओ करना आना चाहिए। आपको सोशल मीडिया पे अगर डाल रहे हो तो सोशल मीडिया के जो रूल रेगुलेशंस हैं, जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, वो आपके लिंक को ब्लॉक कर सकती हैं और माइट भी आपके जो सोशल प्रोफाइल्स हैं वो यहां पे डिसेबल भी की जा सकती है। राइट, तो इसीलिए आपके पास में पूरा नॉलेज होना डिजिटल मार्केटिंग का इंपॉर्टेंट है। बिफोर मूविंग इनटू एफिलिएट मार्केटिंग ये सारे कॉन्सेप्ट आपके पास में क्लियर होने चाहिए, तभी आप जो है एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर सक्सेस हो सकते हैं। और आप डिजिटल मार्केटिंग आएगी तो डेफिनेटली आप अपने ब्लॉग के ऊपर में भर भर के ट्रैफिक ला सकते हैं और वहां से फिर लोगों को जो है आपके जो भी जिस भी कंपनी का आप प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हैं वहां तक लेके जा सकते हैं। राइट, अभी यहां पे फाइनली हम बात करते हैं पांचवा जो पॉइंट है वो ये है कि क्या आपको इतनी मेहनत करने के बाद जो है आपको पैसा रिकरिंग मिलता रहता है या फिर बीच में रुक जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि एफिलिएट मार्केटिंग का जो भी एक्सपीरियंस है मेरे पास अब तक, उसके अकॉर्डिंग मैं यहां पे बता दूं कि एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर आपको रिकरिंग इनकम जो है वो बहुत ही कम ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिनके अंदर आपको रिकरिंग इनकम हो जाती है। लेकिन बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं, अगर आप निश सेलेक्ट करते हो आपके निश के ऊपर में डिपेंड करता है कि आपकी निश किस तरह की है। राइट, और बहुत सारा ऐसा रिकरिंग है, ऐसे लिंक्स होते हैं जहां पे जो जनरली आपके पास में आया है आपका ऑडियंस, वो एक बार परचेस करके दोबारा करे नहीं करे, वो बार बार आपके लिंक पे आए नहीं आए, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। मान लीजिए कि आपने एक से फॉर एग्जांपल आप गर्मियां चल रही हैं तो आपने जो है एक पूल, जो जनरली किड्स के लिए पूल आता है, तो मैं बताऊं कि मैंने एक पूल जो है मेरे बच्चों के लिए खरीदा था, उसी को मैंने एफिलेट की तरह प्रमोट भी किया और मैंने उससे काफी अच्छा जो है 3 साल तक जो है मैंने काफी अच्छा रेवेन्यू जनरेट करा है। लेकिन उससे जो है रिपीट रिकरिंग इनकम कभी नहीं हुई, यानी कि जिसने एक बार परचेस करा दोबारा वो अगर परचेस करने जा रहा है तो वो डायरेक्टली उस वेबसाइट पे जा रहा है जहां से उसने एक्चुअल में परचेस करा है, राइट। वो मेरे बार बार ये नहीं आएगा कि वो मेरे लिंक को पहले सर्च करे फिर मेरे लिंक पे क्लिक करके फिर वापस जाके उसको परचेस करे, ऐसा कभी नहीं होता। बहुत रेयर केस में ऐसा रिकरिंग इनकम आपको देखने को मिल सकती है, राइट। तो ये कुछ आपके पास में 5 पॉइंट्स मैंने आपको बताए। अब आप खुद एक अंदाजा लगा सकते हैं, कंक्लूजन पे आ जाते हैं कि बिगिनर्स के लिए एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर सक्सेस हो सकते हैं या नहीं। सो गाइस, अगर आप वाकई इंटरेस्टेड है एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर तो उससे पहले आपको एक ऐसा निश सेलेक्ट करना है जिसमें आप काम करना चाहते हैं, फिर उस पर्टिकुलर निश के अंदर जितने भी प्रोडक्ट या सर्विसेज हैं उनको आपको बहुत अच्छा उनका नॉलेज होना चाहिए। उससे रिलेटेड आपको ब्लॉग लिखिए, उससे रिलेटेड आप अपने सोशल पोस्ट डालिए, सोशल प्रोफाइल्स बनाइए और उसके बाद जो अब आपका ऑडियंस जो आपके साथ में कनेक्ट हो जाएगा, जब आपके पास में काफी अच्छा खासा ट्रैफिक आने लग जाएगा, उसके बाद जो है आप अपने ऑडियंस को बोल सकते हैं कि अब ये कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, आप उनके बारे में पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करें, राइट, कंपैरिजन करें, रिव्यूज दें और उसके बाद वहीं पर जो है लिंक भी पोस्ट कर दें। तो अगर आपके साथ में वो ऑडियंस का ट्रस्ट बना हुआ है तो माइट भी वो आपका लिंक क्लिक करके परचेस कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे ये जो टाइम फ्रेम होता है, राइट, इतना बड़ा ऑडियंस क्रिएट करने का जो टाइम फ्रेम है वो काफी ज्यादा लंबा हो जाता है अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग इन एंड आउट नहीं आता है। तो अगर डिजिटल मार्केटिंग आता भी है तो भी आपको जो है एफिलिएट मार्केटिंग की पहली इनकम भी लेने के लिए मिनिमम जो है आपको 4 से 6 महीने के बीच में आपको कभी इनकम जो है मिल सकती है। उससे पहले अगर आप, कोई बहुत ही रेयर चांस होगा कि आपको पहले इनकम मिल जाए, बट उससे पहले आपको जनरली नहीं मिलती है। तो जो लोग भी बिगनर्स हैं, आपके पास में अगर कोई ऑडियंस नहीं है तो डेफिनेटली आप एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर बिल्कुल जंप ना करें, क्योंकि आप जो है मेहनत करेंगे लेकिन आपको जो है कोई भी रिजल्ट नहीं मिलने वाले। तो पहले आप जो है किसी ऐसे निश पे काम करें जिसपे आप एफिलिएट करना चाहते हैं और उसमें जो है आप अच्छा खासा एक ऑडियंस जो है क्रिएट करें। इस ऑडियंस को क्रिएट करने में आपकी जेब से पैसा लगेगा, राइट, आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा। लेकिन उसके बाद में अगर आपने एक प्लेटफॉर्म बना लिया, ऑडियंस क्रिएट कर लिया, ट्रस्ट क्रिएट कर लिया, तो डेफिनेटली उसके बाद जो आपकी इनकम जनरेट होगी वो लाखों में भी जा सकती है, राइट। सो आई होप गाइस आपको जो है पूरा इसके बारे में, गुड और बैड के बारे में, एफिलिएट मार्केटिंग गुड और बैड फॉर द बिगिनर्स, ये मैंने पूरा अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और जो लोग अभी नए हैं मेरे चैनल पे और डिजिटल मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एंड इस तरह की वीडियोस सीखना चाहते हैं, अपना नॉलेज एनहेंस करना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल का आइकन दबा दे ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फिर मिलता हूं एक और अमेजिंग वीडियो के साथ। टिल देन स्टे सेफ, गुड बाय।